Welcome dear students in RCI Education Hub online classes. Today we study continue in phenol chemical properties, and in this video you will be see third type reaction of phenol, that is condensation reaction. Already you see two type reactions, that is hydroxy group reactions, and then you see benzene ring reactions, and third last reaction is a chemical properties, that is condensation reaction. कौन सी है? Condensation reactions हैं और ये हैं with acetone. First of all इसके अंदर है 4-5 reactions अपने study करने वाले हैं. First of reaction है with acetone. किसके साथ में reaction है students? Acetone के साथ में. ये CH3 double bond क्या है student? That is acetone. Reaction किससे करा रहे हैं अपन? Phenol के दो mole यहाँ पर use कर रहे हैं. एक phenol ये रहा, एक second phenol ये रहा. अब आप देखिए यहाँ पर condensation का means होता है कोई ना कोई गैस बाहर निकलती है या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं रिड्यूस किए जाते हैं रिमूव किए जाते हैं ये कंडेंसेशन रिएक्शंस कहलाते हैं. ओके अब यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन रिएक्शंस में यहाँ से ऑक्सीजन एटम होता है ये वाला यहाँ से पार्ट रिमूव होता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है. देखिए किसका फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो गया. किसका फॉर्मेशन हो गया वाटर का वाटर H2O ये यहाँ से रिमूव हो चुका है. रिमेनिंग पार्ट को आप जस्ट लाइक फेविकोल चिपका दीजिए. देखिए यहाँ पर फेविकोल की तरह चिपक जाएंगे आपस में CO ये वाला एटम है इससे अटैच हो गया ये जस्ट लाइक फेविकोल देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड दैट इज कॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड बिसफिनॉल ए. क्या नाम है इसका? इसका नाम है बिसफिनॉल ए. ये नाम इस कंपाउंड का दैट इज कॉल्ड बिसफिनॉल ए. ओके दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल. नेक्स्ट वी सी नेक्स्ट रिएक्शन इन दिस पार्ट कंडेंसेशन रिएक्शन रिएक्शन विद ए डाइएजोनियम साल्ट. किससे रिएक्शन कराएंगे? नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद डाइएजोनियम साल्ट. डाइएजोनियम साल्ट ओके डाइएजोनियम साल्ट होता है उससे अपन इसमें रिएक्शन कराने वाले हैं. डाइएजोनियम साल्ट N2S डाइएजोनियम साल्ट. डायजोनियम साल्ट से इसकी रिएक्शन कैसे होती है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. जितनी भी डाइज वगैरह होती हैं उनका फॉर्मेशन इसी के थ्रू होता है. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर डाई इंडस्ट्री. डाई इंडस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होती है. इसका एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी वेरी सिंपल रिएक्शन व्हाट विल बी द प्रोसेस. यू कैन सी दैट इज OH phenol react with the diazonium salt. Diazonium salt है students मैं खोल के बना रहा हूँ N double bond N X okay that have positive ion negative ion. ये है diazonium salt. reaction कर रहे हैं दोनों आपस में. यहाँ से क्या है? hydrogen है. इस वाले का क्या है? H है. that will be removed and easily there will be formation of minus HS halogen halide yahan se nikal jayega remove ho jayega baki part ko just like fevicol chipka dijiye okay that will be comes together aur kiska formation ho gaya there will be formation of OH group and double bond and benzene ring attached okay that is compound formation take place that is called parahydroxy azo benzene. kya naam hai student iska? parahydroxy azo benzene. ye kehlayega para hydroxy azo azo is group ko kya bolte hain azo azo benzene. ये कहलाएगा parahydroxy azo benzene कहलाएगा. ओके ये रिएक्शन अपन ने देखी यहाँ पर. फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन? फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? ये करा रहे हैं डाई एजो साल्ट से.
ढाई सौ साल से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन क्या है, माइनस एच एक्स यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये अपने पास में क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी ऑर्थोमेटा और पैरा पे क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एजो बेंजीन ये क्या कहलाता है, एजो बेंजीन फॉर्मेशन हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यू सी इन दिस वीडियो फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन वाया बिस्फिनोल ए एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन रिएक्ट विद ए फिनोल। ओके इन नेक्स्ट रिमेनिंग वी सी द अदर रिएक्शंस, कंटिन्यू इन दिस पार्ट, थैंक यू।